जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो ये आपके लिए मैं व्लॉग ला रहा हूँ, ये स्पेशली व्लॉग इसलिए लाना पड़ा था क्योंकि कल मुझे काफ़ी चैनल से, मैसेज से और कॉल के द्वारा एक सूचना मिली थी। भवाली जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, भवाली जब हम लोग जाते हैं कैची मंदिर को, तो नीम करोली बाबा आश्रम को, उससे पहले ही भवाली एक चौराहा पड़ता है, छोटा सी जगह है। वहाँ पे कोई पागल औरत ने, मतलब एक औरत है उसको पागल ही बोलेंगे, उसने एक कुत्ते को जो उसका ही डॉगी था, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, पूछने पता किया चला, उसको उसने जिंदा ही बांध के और ऊपर से क्या बोलते हैं वो जो रजाई होती है, रजाई डाल के उसको जला दिया। और फिर वहाँ के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने देखा, जिस समय वो सो रहा था क्योंकि वो बीमार हो गया था काफ़ी दिनों से, तो ज़्यादा कुछ एक्टिव वो हो नहीं पाया, उसने उसको मार दिया क्योंकि वो इससे बोल क्योंकि जो पालतू कुत्ता था उसका ही पालतू था, तो उसने ये उसको डर भी लगा कि मेरे से कुछ गलत काम करेगी। तो आखिर हम लोग किस तरह जगह को जा रहे हैं और क्या ऐसे काम हम लोग ये कर रहे हैं, इतना घृणा का काम जो हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत ही एक इतना निंदनीय ये बात है। तो क्या ये देवभूमि को शर्मसार नहीं कर रहा है, क्योंकि देवभूमि ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। हम लोग बेजुबानों के लिए इतना हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं और ये लोग छोटी छोटी सी ऐसी घटना है और हम लोग निंदा ये इससे शर्मसार कर देती है। तो जो अभी मैं आया हुआ था, थोड़ा सा फैमिली में कहीं मेरी रुचि की तरफ से शादी थी, उसकी रुचि की फैमिली में माइकी की तरफ को, तो वहाँ दिल्ली में आया हुआ था, तो मैं इसीलिए मैं भवाली आ नहीं पा रहा हूँ। पर नंदिता मैडम ने और अपने कोई भाई वहाँ पे, उन लोगों ने मिलके एप्लीकेशन दे दिए थाने पे, भवाली थाने पे केस दर्ज करवा दिया है। और जो शायद लोगों का ये बोल रहे हैं कि कह रहे भैया संडे को सब लोग मिलके, जो भी जितने भी एनिमल एक्सपर्ट हैं वो लोग और सभी लोग हम लोग भवाली थाने पे इकट्ठा होंगे, तो आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि यार आप लोग भी ना अपने अपने तौर तरीके से जैसे जैसे भी संभव हो तो सब लोग इस आंदोलन का को सपोर्ट करिए और ये आरटीए जो इनको थोड़ा सजा दिलवाने में सहयोग करिए। इस टाइप के कृत्य ऐसे होते हैं बेजुबानों पर, बेचारे जो हमारी दो रोटी के लिए हमारे मोहताज होते हैं उनके ऊपर ऐसी घिनौने काम करके ये लोग देवभूमि को शर्मसार कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग दिन रात गाय बच्चों की सेवा कर रहे हैं और सड़कों पे ऐसे ऐसे हमारे लोग जो वॉलंटियर्स लोग हैं अपनी जान को एक खतरे में डाल के इनकी सेवा करते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनका वैक्सीनेशन करवाते हैं, और ये इसने बेचारे जिसको हमारी हेल्प की जरूरत थी उसको इसने जला दिया। इतना छिछोरा, इतना बहुत ही थर्ड क्लास का काम इसने किया है। तो नंदिता मैम को स्पेशली थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने जाके केस तो कर दिया है, पर हमें और लोगों को भी इकट्ठा होकर नंदिता मैम के संग रहना है और इस केस को मुकाम तक का पहुंचाना है, यानी कि बस केस करके खत्म कर दे, क्योंकि फाइन बहुत कम है। हम लोग को पता है, एज अ लीगल एडवोकेट के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें फाइन जो है इतने ज्यादा नहीं है कि लोग डरते नहीं है, क्योंकि फाइन बहुत कम है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके लिए भी कुछ हमारे लॉ मिनिस्टर्स को कोई चीज हम लोग भेजे कि बॉस ऐसा ऐसा है और फाइन बहुत कम है पशु क्रूरता में, इनमें संशोधन के लिए और ये सब चीजों के लिए भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जो युवा हैं अगर हम लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही कुछ करता हूँ, आपको ये वीडियो भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वीडियो आप देखिए किस प्रकार से इस औरत ने उस कुत्ते को बेचारे को जला दिया है, बेजुबान हमारे डॉग को जिसको हम लोग अपने घर में तो प्यार करते हैं, उसको जला के इसने जिंदा जला के मार दिया है। तो आप लोग कौन कौन साथ हैं कमेंट करके बताइएगा, और भी कोई चीजें आप लोग सुझाव देना चाहें वो भी आप बताइएगा, और नंदिता मैम से आप लोग जैसे भी कांटेक्ट करिए, अगर संभव होगा, अगर मैम कहती है नहीं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंदिता मैम का नंबर दे दूंगा, तो भवानी में सभी लोग जानते हैं जितने भी है, मैं उनका नंबर भी आपको दे दूंगा, आप लोग जानकारी लेना चाहें तो मैडम से ले सकते हैं पूरी जानकारियाँ। तो अब आज के लिए इतना ही काफी है और आज रखता हूँ व्लॉग को, एंड कर रहा हूँ। तो जो आगे की जानकारी आपको मैं इस व्लॉग के माध्यम से दे दूंगा, कल परसों को मैं हल्द्वानी पहुंच जाऊंगा, तो बकाया आपको केस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है भवाली थाने पहुंच के मिलते हैं। पालतू कुत्ते को चला दिया है, बहुत परेशान हूं मैं। ये देखो, और ये कह रही है कि आप यहाँ पर कुछ आप ऐसा मत करना, और यहाँ पर देखो कैसी लेडीज है, और छोटा गड्ढा नहीं होना चाहिए, गहरा होना चाहिए गड्ढा, यहाँ पर खोदने के लिए यहाँ पर करनी है, मगर यहाँ पर दूसरे की भूमि में आप गड्ढे में जा रहे हो। आपने पूछा किसकी भूमि है, खोद देगी वो गड्ढा, कद्दू खोद देगी।
पैसे खर्च करो, लेबर बुला लो। मैं हूँ तो सही है। अरे यहाँ कुत्ता इन, अरे इसको दे दो ये अपना आप कर देगा। अरे इसको दे दो ये कर देगा अपना, पैसे दे दो इसको करा लेगा। नहीं दे रही हूँ पैसे, डेढ़ साल हो गए बिल नहीं दे रखा। कुत्ता तो जल चुका, ये ऐसे कहाँ दबेगा वो। देखो ये पागल हो चुकी है, मैं तो उठाऊंगा भी नहीं। ये देखो ये, अरे नीचे को खाने जा रही हो। ये देखो अभी कह रही ठहरी मैं, देखो ये देखो नदी में भागी केवल। अरे उसको उठाओ अपने डॉग को। अरे गणेश भैया मैं जाऊं। अरे नहीं गाड़ी किसने आया, फोन पे फोन आ रहा है मेरे भी आप। और यहाँ पर देखिए बैठी है ये धुनवा, अटैक पड़ सकते हैं हम। कैसे लोग होते हैं, आपको दया आ रही पड़ी है चलाने में। कुत्ते को जला दिया, जला दिया बड़ी दया हुई है। वान हो आप, आपने तो जला के बड़ा बहुत ही महान कार्य कर रहे हो। आंटी गड्ढा खुद खोद देता हूँ आपको, ये वहाँ से तो। हेलो भैया ये वहाँ से आई थी, गड्ढा खोदूंगी खुदवाओ। आंटी गड्ढा खोदो, गड्ढा फटाफट खोदो फटाफट। इसको अपने घर में टेस्टी करो। आंटी फटाफट करो तो घर में।